सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और चूंकि हमने यज्ञ करके पूरे विश्व की शांति की, अभी कोरोना को हम प्रसाद चढ़ा के उनको भी शांत करेंगे और गो माता का हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग गो माता से आह्वान करते हैं, सब लोग अपना पकड़ लो, सबको निरोग उत्पन्न करो और सभी पूरे विश्व से वो करते हैं कि पूरे गोमूत्र का सेवन करें। जय गो माता की। कोरोना वायरस क्या है कि ये एक रोग के बैक्टीरिया ही तो होते हैं, तो इससे गौमूत्र से तो अनेक प्रकार के जो दुष्प्रभाव करते हैं ऐसे सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं इससे। जो हमारे को बताया जाता है घरों में भी अगर ऋणात्मक उसको हटाना है, बैक्टीरियाओं को भगाना है, मारना है, तो अपने घरों में गौमूत्र से पोछा आदि वगैरह लगाने का भी विधान है और हम लगाते हैं, और शुद्धिकरण के लिए भी गौमूत्र छिड़का जाता है, तो इससे बहुत अनेक प्रकार के जो बैक्टीरिया पनपते हैं।